मध्य प्रदेश में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कमलनाथ और सिंधिया के बीच चल रही खींचतान अब सड़कों पर आ गई है। शिवपुरी में सिंधिया के समर्थकों ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। सिंधिया के समर्थकों ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए सड़क पर पोस्टर लगा दिया। इस पोस्टर में सीएम कमलनाथ, सिंधिया और राहुल गांधी एक साथ नजर आ रहे हैं। सीएम कमलनाथ ने यह तस्वीर विधानसभा चुनाव से पहले साझा की थी। इस पोस्टर पर लिखा है कि मुख्यमंत्री जी ये छाया चित्र की मर्यादा भूल गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कहा उस पर पुनः विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में अपनी बात रखने में पार्टी मजबूत होती है। एक पद पर एक ही व्यक्ति का फॉर्मूला याद क्यों नहीं आ रही मध्य प्रदेश सरकार को? इस बारे में कांग्रेस के विजय शर्मा ने कहा कि हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता से किया वचन पत्र सरकार को याद दिला रहे हैं और हम अपने महाराज के साथ हैं। सिंधिया जी और कमलनाथ जी के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, ये शुरू हुआ है। वो महाराज ने जो समस्या लेके महाराज के पास आए थे, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता और वो संविदा शिक्षक, तो उसको महाराज ने जो किया था उस बात का बावरिया जी ने भी समर्थन किया है जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, है ना। महाराज ने कमलनाथ जी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, ना कमलनाथ जी ने महाराज के खिलाफ कोई बयान दिया। ये उनका अपना सोचना है, ब्लॉक अध्यक्ष जो है सरिन टेड़िया का, उनका अपना सोचना है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। महाराज ने ही सरकार मध्य प्रदेश में बनाई है, महाराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार आई है। लोग आशा करते हैं महाराज से और महाराज उनके निराकरण के लिए प्रयासरत हमेशा रहते हैं। तो जो सिंधिया जी ने कहा उसका आप समर्थन करते हैं? सिंधिया जी के साथ हैं हम, वो जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ रहेंगे। और जो सड़कों पर उतरने की बात उन्होंने कही है उसमें? सड़कों पर उतरने के लिए तो हम सभी उनके संग सड़कों पर उतरेंगे, वो अकेले थोड़ी उतरेंगे, उनके साथ रहेंगे सड़कों पर। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की माने तो जनता से जो वादे किए उन्हें तो पूरा करने का दायित्व सिंधिया जी के साथ पूरी कांग्रेस का है। सिंधिया के साथ हम भी सड़कों पर उतरेंगे। सिंधिया जी को पद की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है तो उनके लिए पोस्टर लगा कर मांग करने की जरूरत हो। जो मामला चल रहा है उस पर बात करना जरूरी है, तो अपन को विधानसभा चुनाव से पूर्व जाना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव के पूर्व पूरे प्रदेश की निगाहें श्रीमान सिंधिया पर थी, उसी के आधार पर पूरे प्रदेश में सिंधिया ही ने लोगों से आश्वासन दिए थे, वचन दिए थे, और वो वचन वचन पत्र में हैं। इसीलिए सिंधिया जी के पास लोग आते हैं आशा लेकर, फिर वचन पत्र में जो बातें हैं उन्हें पूरा किया जाए। उसी संदर्भ में सिंधिया जी ने वचन पत्र को पूरा करने के लिए सड़कों पर उतरने की बात कही थी। वो बात ना तो कमलनाथ जी के खिलाफ है ना ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि वचन पत्र में इस तरीके की बातें थी तो उसे पूरा कराने का दायित्व श्रीमंत सिंधिया जी का बनता है, ये बात सत्य है। सिंधिया जी ने कहा कि वे सड़कों पर उतरेंगे तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा? सब लोग सिंधिया जी हमारे नेता हैं और हम सब लोग उनके साथ में हैं। वो अकेले सड़कों पर नहीं उतरेंगे, पूरे प्रदेश के लोग उनके साथ सड़कों पर उतरेंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सिंधिया और कमलनाथ के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच सिंधिया के समर्थक भी कूद पड़े हैं, उन्होंने भी कमलनाथ सरकार से नाराजगी जाहिर की है। अब देखना यह है कि इस पोस्टर वॉर पर सिंधिया का क्या रुख होता है। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव की रिपोर्ट।